नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जसरा विकास खंड के अंतर्गत एक ऐसी गौशाला है जहां पर ग्राम प्रधान की अनुमति के बिना जिलाधिकारी भी गौशाला में नहीं कर सकते हैं प्रवेश। गौशाला में रहने वाले एक मजदूर के द्वारा कही गई यह बात। प्रयागराज जनपद के जसरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली कीच ग्राम सभा में जहां ग्राम प्रधान राम गुलाब आदिवासी की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी, यहां तक नहीं स्वयं जिलाधिकारी भी इस गौशाला में प्रवेश करने के लिए ग्राम प्रधान से अनुमति लेंगे। गौशाला में मौजूद मजदूरों के द्वारा जहां गौशाला के गेट के अंदर से ताला लगा दिया जाता है, तो वहीं ताले की चाबी ग्राम प्रधान की अनुमति के बिना नहीं घूमती। गौशाला की बदतर स्थिति को देखकर उधर से गुजर रहे भाजपा के जिला मंत्री जमुना पार प्रकाश प्रचंड ने जब गौशाला में जाने के लिए वहां पर मौजूद मजदूरों से गेट खोलने की बात कही, तो उनके द्वारा कहा गया कि ग्राम प्रधान की अनुमति के बिना यह दरवाज़ा नहीं खोलेंगे और ना ही अंदर आने देंगे। अपना परिचय देने के बाद भी गौशाला मजदूरों ने यह कहा कि आप ही नहीं जिलाधिकारी भी आ जाएंगे, तब भी यह ग्राम प्रधान से पूछना पड़ेगा और जब तक ग्राम प्रधान नहीं कहेंगे तब तक गौशाला में किसी को आने नहीं दिया जाएगा। जिस पर भाजपा के जिला मंत्री यमुना पार के द्वारा कहा गया कि इस बात की शिकायत उनके द्वारा आला अधिकारियों से भी की जाएगी। वहीं गौशाला में व्याप्त अनियमितता को लेकर जहां स्थानीय लोगों के द्वारा भी कई बार शिकायतें की गई, जिससे बौखलाए हुए ग्राम प्रधान के द्वारा गौशाला में व्याप्त कर्मियों को उजागर न होने देने की नियत से ही गौशाला के गेट पर ताला लगा दिया गया है। वहीं गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा बताए गए गौशाला में रहने वाले गौवंशों को केवल एक टाइम का ही भूसा खिलाया जाता है और वह भी सूखा है, जबकि कागजों पर चुनी चोकर व पशु आहार भी सभी गौवंशों को खिलाया जाता है। वहीं शाम के वक्त गौशाला में जनजन भर शराबियों की भीड़ लगती है, जो शराब पीने के बाद भी वहीं पर हंगामा भी करते हैं। गौशाला में चारों तरफ व्याप्त गंदगी को लेकर के गांव के ही लोगों ने बताया कि गौशाला में मौजूद कर्मचारियों के केवल शराब के नशे में धुत रहते हैं, उन्हें साफ सफाई से कोई मतलब नहीं है। गांव के ही कुछ लोगों ने नाम से उजागर करने की शर्त पर भी यह बताया कि गौशाला में आए दिन गौवंश मरते रहते हैं, जिन्हें ग्राम प्रधान ने के द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर दूसरे तीसरे दिन गाँव से बाहर पहाड़ पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। अभी आपके द्वारा अस्थायी गौशाला गींज में औचक निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पर क्या पाया गया? हमने यहाँ देखा गौशाला गींज में जो बाबा गोरक्षनाथ गौवंश आश्रय स्थल है, यहाँ बड़ी दुर्दशा है। यहाँ गौवंशों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम प्रधान श्री राम गुलाब आदिवासी यहाँ पर उसकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति गौशाला में प्रवेश नहीं कर सकता। गौशाला बाहर से दिखाई दे रही है, दुर्दशा का शिकार है। और यहाँ पर जो भी गोपालक रखे गए हैं वो निस्संदेह हमें कहना पड़ रहा है कि वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसकी शिकायत मैं खंड विकास अधिकारी से जसरा और ब्लॉक प्रमुख जसरा और SDM 12 से अवश्य करूंगा, आज ही करूंगा। आपका परिचय? मैं प्रकाश शुक्ला प्रचंड, जिला मंत्री भाजपा, यमुना पार प्रयागराज।